हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी रसोई में। आज हम अपनी रसोई में बनाएंगे राजस्थान की प्रसिद्ध कच्ची हल्दी की सब्जी। कच्ची हल्दी की सब्जी ज़्यादातर राजस्थान में सर्दियों के मौसम में बनाई जाती है। ये हमारे शरीर में गर्मी पैदा करती है और खून को भी साफ़ करती है। हल्दी हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। 3 से 4 बार अगर हम सर्दियों में इसे बनाकर खाएं तो हमारे घुटनों में और शरीर में दर्द नहीं होता है और हड्डियाँ मजबूत बनती है। आपको अगर वीडियो देखने के बाद मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। हल्दी बनाने के लिए मैंने यहाँ आधा किलो कच्ची हल्दी ली है, आधा किलो ही घी लिया है। जितनी हम हल्दी लेंगे उतना ही घी लेंगे। आधा किलो मटर ली है जिसे छील लिया है, थोड़े काजू लिए हैं, थोड़ी किशमिश ली है, ऐसी गांठे मैंने लहसुन की 4 ली है जिसे छील लिया है, एक टुकड़ा अदरक का लिया है, 2 टमाटर लिए हैं, थोड़े से हरे प्याज लिए हैं, 1 साबुत प्याज लिया है, 7 से 8 मैंने हरी मिर्च ली है। सबसे पहले हम हल्दी को धो लेंगे। मैंने यहाँ सारी हल्दी को अच्छे से धो लिया है। अब इसका जो ऊपर का छिलका है उसे निकाल लेंगे। जैसे हम अदरक को छीलते हैं उसी तरह से हम हल्दी को भी छील लेंगे। हल्दी छीलते टाइम इसका जो कलर है वो हाथों में लग जाता है, तो आप इस टाइम पे ग्लव्स भी पहन सकते हैं। इसी तरह हम अदरक को भी छील लेंगे। अदरक और हल्दी अच्छे से छील गई है, इसको अच्छे से धो लेंगे। अब हम एक बर्तन लेंगे, उसमें हम सारी हल्दी और अदरक को कद्दूकस करेंगे। कद्दूकस हम बड़े वाले होल से करेंगे, छोटे वाले होल से करेंगे तो हल्दी का पूरा पानी निकल जाएगा। हमने यहाँ हल्दी और अदरक को कद्दूकस कर लिया है। अब हरी मिर्च को चॉपर में डालेंगे और चॉप कर लेंगे। इसी तरह हम लहसुन को भी चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे। मैंने यहाँ काजू को 2 पीसेस में कट कर लिया है, प्याज को भी बारीक काट लिया है, हरे प्याज और टमाटर को भी कट कर लिया है। अब बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई लेंगे, इसमें घी डालेंगे। हल्दी हमेशा घी में ही बनती है, तेल और हल्दी का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। घी गरम हो गया है, अब इसमें कद्दूकस की हुई हल्दी डाल देंगे और फ्राई कर लेंगे। कच्ची हल्दी को फ्राई करना ज़रूरी है, हल्दी को फ्राई करने से इसका जो कड़वापन है वो चला जाता है। यहाँ हमें इसे लगातार चलाते हुए घी में भून लेना है। हल्दी का हल्का सा कलर चेंज हो गया है और इसने घी भी छोड़ दिया है। अब जिससे हम पूरी निकालते हैं उसकी मदद से हल्दी को निकाल लेंगे। इधर हम मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, 2 चम्मच धनिया पाउडर लिया है और इसमें पानी डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। ये पानी में मसाले अच्छे से फूल जाएंगे। मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं, इसे साइड में रख देंगे। मैंने यहाँ घर का ताज़ा दही लिया है, लगभग 1 लीटर। इसे अच्छे से फेंट लेंगे। दही को अच्छे से फेंट लिया है। अब मैंने उसी कढ़ाई को धो लिया है और उसमें घी डाल देंगे। ये वही वाला घी है जिसे हमने हल्दी को फ्राई करने के लिए यूज़ किया था। अब बाकी बचा हुआ घी भी इसी में डाल देंगे। अब हल्दी ने साइडों में जो घी छोड़ दिया है उसे भी डाल देंगे। घी गर्म हो जाएगा तो इसमें 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। अब इसी में लहसुन डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। लहसुन को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। अब इसी में हरी मिर्च डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। अब इसी में कटा हुआ प्याज डाल देंगे। हरे प्याज को हम बाद में डालेंगे, अभी डालने से क्या है कि प्याज जल जाएगा। अब इसी में काजू डाल देंगे, किशमिश को भी इसी में ही डाल देंगे। अब अच्छे से मिक्स कर देंगे। काजू किशमिश डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप अगर ना डालना चाहें तो इसमें ना डालें। अब इसी में जो मसाला हमने पानी में मिक्स करके रखा था
उसे भी डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। इसे हमें मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए ही भूनना है। अब इसी में हरा प्याज डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। हरे प्याज से सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है, आप हरा प्याज जरूर डालिएगा। अब सभी को लगातार चलाते हुए हम भून लेंगे। अब इसी में मटर डाल देंगे। अब हमें मटर को सॉफ्ट होने तक इसे भूनना है। अब मटर सॉफ्ट हो गई है, इसमें दही डाल देंगे। दही हमें ज़्यादा लेना है क्योंकि हल्दी की तासीर गर्म होती है और दही हल्दी की गर्मी को बैलेंस करता है। अब इसे सब्जी में अच्छे से लगातार चलाते हुए मिक्स करेंगे। हम इसे बीच में छोड़ देंगे तो दही फट जाएगा। इसे एक उबाल आने तक हम इसे लगातार चलाते रहना है। अब गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और 2 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं और सब्जी में मिक्स कर देंगे। अब इसे हमें एक उबाल आने तक लगातार चलाते हुए पकाना है। एक उबाल आ गया है, अब इसमें टमाटर डाल देंगे और सब्जी में मिक्स कर देंगे। टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, अब इसमें जो हल्दी फ्राई करके हमने रखी थी उसे भी डाल देंगे और सब्जी में मिक्स कर देंगे। अब हम हल्दी को भी बाकी चीज़ों के साथ अच्छे से पका लेंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पकाएंगे। दोस्तों, ये कच्ची हल्दी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। इसमें काफ़ी गुण पाए जाते हैं। इसमें कैंसर से लड़ने के गुण होते हैं और साथ ही अगर आपको चोट लगी हो, उसमें सूजन आ गई हो, तो ये आपके सूजन को भी दूर करती है। ये गठिया रोग में होने वाले दर्द को भी ठीक करती है और साथ ही अगर आपको शुगर है तो आप हल्दी को बनाकर खाइए, इसे आपको ज़रूर लाभ होगा। ये हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। साथ ही हल्दी हमारे स्किन के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। खासकर आप इसे सर्दियों में ज़रूर बनाकर खाइए क्योंकि हल्दी की तासीर गर्म होती है, तो इसे आप सर्दियों के मौसम में ही खा पाएंगे। जैसे जैसे ये हल्दी पक रही है, किचन में एक बहुत ही बढ़िया सी खुशबू हो गई है। अब हमारी हल्दी बनकर तैयार है। आप इस तरीके से हल्दी बनाकर खाइए तो जिसको पसंद ना हो वो भी बड़े शौक से खाएगा। आप इसे गेहूं की रोटी के साथ, बाजरे की रोटी के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और इस पे अब हम डाल देंगे खूब सारा हरा धनिया और गैस को कर देंगे बंद। काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमारी हल्दी कड़वी बनती है। आप इस तरीके से बनाइए, आपकी हल्दी बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनेगी और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी हल्दी की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और इसी तरह अगर आपको कोई और नई रेसिपी मुझसे चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं वो रेसिपी आपके लिए ज़रूर ट्राई करूँगी। तो चलिए दोस्तों, स्वादिष्ट और सेहत से भरपूर कच्ची हल्दी की सब्जी का मज़ा लीजिए। यकीन मानिए, अगर आप एक बार इस मेथड से बनाकर देखेंगे तो इसे आप हर सर्दियों में बार बार बनाएंगे। तो मैं आपसे मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ।